फॉर्मूला बताया था प्रेजेंटर का, x is equal to u cos theta t, ये हॉरिजॉन्टल का है। उसके बाद हमारे पास है इसका दूसरी मोशन जो है वो वर्टिकल है। वर्टिकल जो अभी राक्षस ने पढ़ाया वो आपको, मैं सिर्फ आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ। राक्षस ने करवाया था y is equal to u sin theta minus 1 upon 2, ये हो गया प्रेजेंटर और ये cos theta, और इसको बोलते हैं u sin theta। और आज मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाना है। करनी है उसका वक्त कौन सा फार्मूला लगेगा, और हमें जब हाइट मालूम करनी है उस वक्त कौन सा फार्मूला लगेगा। हाइट हमने उसमें मालूम करना होता है, रेंज मालूम करनी होती है, हाइट मालूम करनी होती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करनी होती है। जब हम इनको कोई उनसे क्वेश्चन पूछा होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम करना है, उस वक्त हमने ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ये जो इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, जब हमें कोई बोलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है, और जब हमने रेंज को मालूम या रेंज मालूम करनी है या टाइम ऑफ फ्लाइट को मालूम करना है। और अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, कितना दिया हुआ था? 30 था आपने अभी लिखा, आपको इतना नहीं पता थीटा कितना दिया हुआ था। थीटा हमारे पास है 30, एंगल को ही थीटा बोलते हैं। थीटा हमारे पास 30 है, और हमें इलास्टिक दिया, इनिशियल इलास्टिक जिसके साथ हमने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, वो हमारे पास है 169 मीटर पर सेकंड। और सबसे पहले आपने मालूम करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, और अभी मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। इतने जल्दी वो जाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने फार्मूला करना है t is equal to 2u sin थीटा अपॉन जी। हमारे पास u भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, और g ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करनी है, 2 into हमारे पास दिया है इनिशियल इलास्टिक दिया है 196, और उसके बाद थीटा हमारे पास है साइन 39.8। साइन 30, हमारे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? मैथ वाले स्टूडेंट इधर कितने हैं, उन्होंने तो टेबल ट्रिग्नोमेट्री का टेबल तो पढ़ा हुआ था, आपने भी पढ़ा होगा 10th में। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? कुछ नहीं होता, आप किस लिए पढ़ने के लिए आते हैं आज? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और अभी ग्रेविटी की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको यार, अभी तो बताए 9.8। आप क्या कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, कहाँ बैठे हुए हो? 9.8 है हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 91.6 होता है अपॉन 9.8। इसको करना है डिवाइड, इसको डिवाइड करके हमारे पास t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल दिया, अब हमने मालूम करना है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मालूम करना है सेकंड
हमारे पास फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। ये हमारे पास अगर 2g होता है, ये हमारे पास सबसे अगर हमने हाइट का प्रोजेक्टाइल मालूम करनी है तो तब हमने ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो हमें वैसे तरह गिवन वो सेम रहेगा, थीटा भी वो सेम रहेगा और जो गिवन हमें इलास्टिसिटी दी हुई है वो भी सेम ही रहेगी, डेल्टा की वैल्यू भी सेम ही होती है। तो हमें इसमें वैल्यू को पुट करना है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा इसका बार 19.6। अब इन दोनों का भी आपने सबसे पहले तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हुआ है वो सबने गा जाके रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। और साइन जो आपको मुश्किल इधर ही आ रही है स्केयर खोलने में मल्टीप्लाई करने में, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। थीटा याद होनी चाहिए, वैल्यू कितनी कितनी होती है, साइन 30 पे कितनी होती है, साइन 40 पे कितनी होती है, साइन 60 पे कितनी होती है। और हमारे पास अब लास्ट बचा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमने मालूम करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अब जब हम निकालेंगे उसके लिए हमने फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। रेंज को डिनोटेड करते हैं आर से, यू स्केयर की थी सबसे पहले हमने की वैल्यू को पुट करना है हमारे पास थी 196 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इधर दिया हुआ है। और उसके बाद करना है साइन 2 थीटा हमारे पास है 30 अपॉन 9.8। यहां तक हमने जब पुट कर दिया तो उसके बाद हमने इसका सबसे पहले हमने जैसे स्क्वायर खोलता 196 का स्क्वायर खोलता उस तरह स्क्वायर खोलना है। हमारे पास क्या आया था स्क्वायर खोलता था 38, जिसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 से ये आएगा sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है 3/2 होती है। तो इधर हमने करना है 3/2, और उसका ग्रेविटी की जो वैल्यू है हमारे पास 9.8, ये उसी तरह अभी सेम रखनी है क्योंकि पहले इसे सॉल्व करना है फिर इसके साथ इसको डिवाइड करना है। उसके बाद जब हमने 19208 ये आएगा क्योंकि इसके साथ इसको डिवाइड करके 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 19208 √3 की वैल्यू होती है 1.7। मैथ के स्टूडेंट को पता होगा, बाकी वालों को नहीं पता होगा क्योंकि मैथ में होता है उधर √3 उधर मेंशन होता है क्वेश्चन में, या आपको मेंशन होगा अगर उधर √2 की वैल्यू दी है या √3 आने वाला क्वेश्चन में, या आपको मेंशन होगा उधर √3 की वैल्यू होती है 1.7 और √2 की वैल्यू होती है 1.4। इधर हमें करना है 1.3332 मीटर। हमारे पास है 19208, उसके साथ हमने √3 की वैल्यू क्या है 1.7, इसको मल्टीप्लाई करके आप मालूम कर सकते हो टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी बताता क्योंकि उसे दूसरी क्लास है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपके पास आएगा उसको इसके साथ आपने डिवाइड करना है। जब इसके साथ आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा।